बात यह थी कि आप इतने नाराज हैं कि आप इस्तीफा भी दे सकते हैं। अरे मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, और ये सब जो हुआ है, जो अजीत दादा ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो है, वही देश को आगे ले जा सकता है। मोदी जी का नेतृत्व सक्षम है, हमारे भारत को महासत्ता की ओर ले जा सकता है, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो विकास के काम किए, मैंने देवेंद्र जी ने पिछले साल में, इससे वो प्रभावित हो गया, उन्होंने विकास को साथ दिया है। और उनको जब पार्टी ये गठबंधन में जब उन्होंने आने का निर्णय लिया है, तो मैं हमारे वरिष्ठ जो है देवेंद्र जी, मैं और वरिष्ठ नेता जो है, उन्होंने सब विश्वास में लेके हमने किया ये निर्णय लेना। ये क्योंकि उन्होंने हमारी जो भूमिका है, हमारी सरकार बनाते वक्त हम बाला साहब के विचार वाली विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे ले जा रहे, उसी के साथ विकास को जोड़ रहे हैं। और पिछले साल में इतने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है इस राज्य में कि वो अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है, और विकास को हम साथ दे रहे हैं। और राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते, अजीत दादा के भी वही विचार है, तो इसीलिए वो साथ में आए हैं। और आगे तो और काम होगा, मजबूती से काम होगा। और इसमें ये तो सब रूमर है, ये अफवाह है। आपको अरे कितने हद तक जाना, मैं तो कहूंगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है, वो हालत को देखना चाहिए, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरे के घर में झांकने से पहले अपना घर साबित है क्या? वो देखो, वो तो घर टूट गया है आपके इस ऐसे रवैये से। और हम लोग तो काम करे जा रहे हैं, मेरी भी कल हमारे विधायक और सांसद जी से बैठक हो गई, उन्होंने भी कहा कि क्या है ये राजनीति को जो प्लस का जो गणित होता है, ये समीकरण मराठी में कहते हैं बेरजेच राजकारण, इसमें ये सरकार तो पहले से कहते हैं कि सरकार गिरने वाला है, सरकार जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा, वो तो जब सरकार का शपथ विधि हुआ तभी से वो चल रहा है। लेकिन दिन पे दिन ये सरकार मजबूत हो रहा है, मजबूत होते जा रहा है। आज 200 के पार हो गए हमारे विधायक तीनों पार्टी के मिलके। और हमें केंद्र सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमारे अमित भाई गृह मंत्री है, वो भी इसमें हमेशा ध्यान देते हैं, जो भी कुछ समस्या होती है, जो भी प्रश्न है, जो प्रस्ताव हमारा जाता है, वो तुरंत मान्यता हो जाती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार जो है, ये बहुत मजबूती से काम कर रही है, और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है।